दोस्तों, क्या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आपका दांत ऊपर नीचे है? क्या आपके दांत में कीड़ा जमा हुआ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाय फैमिली, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, सुस्त हैं और आपके घर पे हैं। तो मैं भी एक्चुअली ठीक ठाक ही था, लेकिन सडनली मेरे को अभी जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है। तो मैं सोचा कि आपको ये एक्सपीरियंस भी एक बार मेरा जो ये एक्सपीरियंस है, मैं भी आपको ये शेयर कर सकूं और आपको बोल सकूं कि क्यों मेरे को जाना पड़ रहा है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। तो आप पूरी ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, मैं अभी इमरजेंसी RCT करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा दांत तो पूरा व्हाइट है, लग रहा होगा आपको, लेकिन सडनली इतना प्रॉब्लम आ गया है कि मैं क्या बोलूँ आपको। सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। मैं अभी मोटर ब्लॉक करके जाऊँगा और पूरा ट्रीटमेंट का वीडियो अगर होगा तो मैं ट्राई करूँगा शूट करने के लिए, अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो। नहीं तो जितना भी हो सकेगा मेरे तरफ से, मैं ट्रीटमेंट का वीडियो और पूरा ट्रीटमेंट का कितना क्या खर्चा आएगा, बेंगलोर में रहना जितना आसान है उतना तकलीफ है। जब हमको कोई परेशानी आ जाता है, जब जब हमको कोई ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है, तो बेंगलोर का ट्रीटमेंट कितना कॉस्ट आ जाता है। और मैं अभी RCT करने के लिए जा रहा हूँ, रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका क्या खर्चा आ जाता है, और बेंगलोर में जो लोग रहते हैं उनको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बस अगर आप मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ सबको शेयर कर रहा हूँ। ये सभी कुछ इन्फॉर्मेटिव मैं जो आपको वीडियो में आपको भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे आपको कुछ आइडिया मिले कि बेंगलोर का ओवरऑल एक्सपेंडिचर लाइफस्टाइल के बारे में। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ डेंटिस्ट के पास। आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे को ट्रीटमेंट करेंगे, समझ रहे हैं? फाइनली दोस्तों, मैं स्पाइस गार्डन में, आप देख पा रहे होंगे कि स्पाइस गार्डन में जो स्माइल एंड डेंटल क्लिनिंग है, डेंटल केयर है, तो मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मेरा आज अपॉइंटमेंट था, अभी अपॉइंटमेंट का अभी टाइम हो रहा है, तो मैं अभी चलता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, मैंने मेरा एक फ्रेंड को बोला था रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो पोर्ट्रेट व्यू में रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन डॉक्टर ने फिर अलाउ नहीं किया। दोस्तों, क्या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आपका दांत ऊपर नीचे है? क्या आपके दांत में कीड़ा जमा हुआ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये सब सवाल मेरे को, एक्चुअली मैं आपको क्यों पूछा दोस्तों, कि मेरे को ये सब कुछ सवाल मेरे दिमाग में आया। ये सब कुछ मैं नहीं सोच रहा था। ये एक्चुअली मैं अभी जो गया था मेरे जो दांत का जो ट्रीटमेंट करने के लिए, वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्या हो गया सडनली और मेरे को क्यों जाना पड़ा डेंटिस्ट के पास। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर पहले से अगर ये पता होगा मेरे तरफ से, तो आपको शायद आप ये चीज़ जो ये जो मैंने गलती किया वो गलती आप नहीं दोहराएंगे, जिसके वजह से आपका एक हेल्दी टीथ आपको मिल पाएगा और आपका टूथ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाद में आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि बेंगलोर में एक्चुअली जो हम RCT करते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट, उसका कितना एग्जैक्टली कितना अराउंड कितना खर्चा आ जाता है। बेंगलोर जैसे जगह में आप जानते हैं कि बहुत ही लाइक एक्सपेंसिव जगह है, तो इधर डॉक्टर के पास हम अगर नहीं जाते तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं अभी अभी फ़िलहाल डॉक्टर के पास से आया जाके मिलके, अभी काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। माफी चाहता हूँ कि मैं आपको वहाँ पर नहीं सब कुछ शूट करके नहीं दिखा पाया, लेकिन जितना हो सका मेरे तरफ से मैं आपको दिखाया, छोटा सा वीडियो शूट किया। लेकिन बाद में वो डॉक्टर साहब जो थे वो अलाउ नहीं किए, वो बोले कि नहीं, इधर थोड़ा सा आप शूटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि उनका किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, तो जितना हो सका हमारे तरफ से मैं ब्लॉग में इंक्लूड किया वो वाला वीडियो ट्रीटमेंट का। लेकिन मेरे को एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हुआ 2 महीने पहले। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 1 साल पहले। 1 साल पहले मेरा इधर एक टूथ है और इधर एक टूथ, ये दोनों टूथ में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कैविटी आ गया था, जिसके वजह से मेरे को ज़्यादा पेन तो नहीं पता चला उस टाइम पे, लेकिन कैविटी जो कि क्लियरली विजिबल हो रहा था कि उधर काला काला लगा हुआ था कुछ दांत में, और वो बाद में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा मैंने मेरे को एक डेंटिस्ट ने मेरे को सजेस्ट भी किया था कि जल्दी से इसको क्योर कर लो,
कैविटी को रिमूव करके फिलिंग कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि बैंगलोर में बहुत एक्सपेंसिव है, इधर जहाँ पर भी जाते हैं हम, वो कोई भी अगर थोड़ा सा अगर हम कंसल्टेंसी भी जो कि उसका जो फीस है कंसल्टेंट चार्ज, वो 2,000-3,000 ऐसे करके ले लेते हैं। लेकिन इधर एक अच्छा वाला डेंटल क्लियर है स्पाइस गार्डन में, माराथली में। मैं व्हाइट फील्ड में रहता हूँ, लेकिन मैं इधर से 7-8 किलोमीटर गया बस वो ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। वो डॉक्टर जो है, उनका स्टाफ बहुत अच्छे स्टाफ है, और अच्छे से आपको ऑब्जर्व करके पूरे ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरे को जो फुल ट्रीटमेंट मेरे को जो प्रोवाइड किए अभी दांत का, उसका कॉस्ट आ गया मेरे को अराउंड 21,000 दो दांत के लिए। दो दांत का RCT का प्राइस है बेंगलोर में, नॉर्मल प्राइस दो दांत का। एक दांत का अगर देखेंगे तो RCT का प्राइस, ओनली RCT इफ़ यू आर डूइंग, तो RCT का प्राइस है 4,500 rupees। RCT यानी आपका दांत में जहाँ पर कीड़ा है, जहाँ पर कैविटी है, उसको वो लोग क्या करेंगे कि टोटल रिमूव करेंगे, दांत में एक होल बनाएंगे, और पूरा आपका जो दांत का जितना सारे भी नर्व है, जितना सारा वेन है, वो सभी वेन क्या होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कनेक्ट होता है। वो जो कनेक्टेड जो ब्रेन है, जिसके वजह से हमको शार्पली पेन महसूस होता है। मैं उस टाइम पे 1 साल पहले जो कैविटी था, अभी 2 महीने पहले वो हैवी एक फेस लेके आ गया था। मैं 1 साल पहले उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसके वजह से वो 2 महीने के अंदर इतना ग्रो हो गया था कि वो कैविटी, जिसके वजह से मेरा दांत से छोटा वाला टुकड़ा भी निकल के आ गया बाहर, और जब मैं उसके बाद में कुछ खाना नहीं खा पाया। और ये पेनफुल टाइम पे मैं गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा या कोई भी बंदी ऐसे पेनफुल वे में जाए। और वहाँ पर जो डॉक्टर मिले मेरे को, डॉक्टर नेहा सरदा है उनका नाम, और वो एक्चुअली स्माइलन डेंटल केयर का जो कि ओनर है, और वहाँ पर डॉक्टर प्रिंस भी थे मेरा ट्रीटमेंट किए, और डॉक्टर आयुषी भी थे। डॉक्टर आयुषी बहुत ही हम्बुल पर्सन है, और बहुत फ्रेंडली है वो, और बहुत अच्छे से वो मेरे को सब कुछ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्क्राइब किए। अच्छा लगा कि मेरे को पहली बार कि हाँ, ऐसा बैंगलोर में ऐसा जगह में पैसा अगर खर्च करेंगे तो वो पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, और उस पैसे का 100% मेरे को ट्रीटमेंट मिलने वाला है। जिस वजह से मेरे को, मैं इस बात के लिए मैं डॉक्टर आयुषी को बहुत 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 थैंकफुल हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके वजह से मेरे को आज एक परफेक्टली ट्रीटमेंट मिल पाया। वो अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया सब कुछ, मेरे को ज़्यादा ओवर प्राइस भी कुछ नहीं बताया, सब कुछ मेरा बजट के अंदर ही आ गया। और मेरा 2 टूथ का ऐसा प्रॉब्लम था, तो अराउंड 1 टूथ के लिए 10,500 अराउंड कॉस्ट हुआ। RCT का जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा उसको होल करके दांत में जो भी जितने भी कीड़े, जो भी कैविटी है, सब कुछ निकल के वो हमारा रूट के साथ, जो दांत का जो रूट के साथ जो भी वेन कनेक्टेड होता है, ठीक है, वो सारे वेन को डिसकनेक्ट कर देंगे, जिसके वजह से हमको कोई सेंसेशन या पेन कुछ फील नहीं होगा बाद में। और वो टूथ हमारे पास रहेगा, ओरिजिनल टूथ रहेगा, लेकिन उसका कोई जैसे कि कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसमें कुछ फील नहीं होगा हमको। ऐसा ही होता है RCT, जिसके वजह से पूरा पेन जो होता है हमारा, कैविटी का पेन, वो पेन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो फीलिंग करने के लिए उसमें है कि उसके ऊपर कुछ परमानेंटली कुछ फीलिंग का कुछ मटेरियल डाल के वो फील कर देते हैं, जिसके वजह से आप देख पा रहे होंगे, जिसके वजह से दांत का जो हिस्सा है वो जो गड्ढा बना हुआ था वो थोड़ा सा फील हो जाता है। लेकिन उसको भी हम अगर वो लाइक इन फ्यूचर अगर वो दांत अगर फ्रैक्चर नहीं होना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो दांत के ऊपर एक कैप डालते हैं। सो ऐसा ही हुआ मेरा, आप भी देख सकते हैं, आपको कुछ इधर डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मैं RCT के बाद वो फीलिंग किया है, वो एक्चुअली परमानेंटली एक फीलिंग कर दिया है, जिसके वजह से मेरा दांत अभी गड्ढा जो था वो भर गया है, और अभी उसके ऊपर एक कैपिंग का कैप मेजरमेंट लिए हैं, वो कैप करने वाले हैं। कैपिंग के लिए खाली एक दांत के लिए 5,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, दो दांत के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। उसके साथ में भी मेरे को आयुषी मैडम ने मेरे को ऑफर दिया कि मेरा पूरा दांत जो है वो क्लीन कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इतना एक्चुअली हम्बुल पर्सन, इतने फ्रेंडली है वो। अभी तक मेरे को अभी तक मेरे को 8 या 10 सेशन दे चुके हैं, आज से लेके 10 बार मैं जा चुका हूँ वो डेंटल केयर में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम मैंने पैसा दिया है, लेकिन 10 बार मेरे को वो सेशन लेके ट्रीटमेंट करते हैं। 8 टाइम सब कुछ नहीं करेंगे, वो शेड्यूल देके जिसमें कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, पेन नहीं होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली, अगर आपका किसी के दांत का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपका कुछ कैविटी है जिसके वजह से पेन हो रहा है,
ये जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आपको बाद में ज़्यादा पेन का भी परेशानी होगा, प्लस पैसा भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। अगर अभी से अगर उसको शुरू से जड़ से निकाल के थ्रो कर देंगे तो आपका सॉल्ट, आपका टूथपेस्ट में सॉल्ट हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पेन भी नहीं होगा, ये बात मेरा गारंटी है। और आपको मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो स्माइल ऑन डेंटल केयर में जाके विजिट करिए। मैं उसका लोकेशन डाल दूंगा हमारा डिस्क्रिप्शन में। मेरा डेंटल जो था, दो दांत का मैंने ट्रीटमेंट किया, RCT किया, प्लस कैपिंग का मेजरमेंट दिया है, कैप भी डालेंगे उसके ऊपर मेटल का या उसका जो क्राउन जो आएगा, तो सब कुछ मिला के मेरे को 21,000 अराउंड कॉस्ट आ गया। तो मुझे ये ट्रीटमेंट बहुत वर्थी लगा क्योंकि ये परमानेंट लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरे को इतना शार्प पेन हो रहा था, जब भी मैं कुछ खा रहा था मेरे को इधर से पेन हो के मेरे को दिमाग में पेन भी पकड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं रात में सो भी नहीं पा रहा था, मेरा खाना पीना सोना सब कुछ हैरान हो गया। तो इससे मैं नहीं चाहता हूँ कि सबके लाइफ में हो। तो डेफिनेटली आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, मत भूलना सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।